हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई तो झारखंड के लिए, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हो, तो सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न कंप्लीट डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। और अगर लोकेशन की बात करें तो हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची में सिचुएटेड है, ठीक है। इसको अप्लाई करने की जो तिथि है वो आपका रहने वाला है 20 फरवरी स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट आपका 22 मार्च है। मतलब टोटली आपको 1 month का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 22nd of March। जितना जल्दी हो सके 20 तारीख के बाद ऑनलाइन होने लग जाएगा, तो फॉर्म अप्लाई कर देना आप। अब जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, आइए कैटेगरी वाइज बता देती हूँ। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से ₹500 लिया जाएगा, वहीं पर एससीएसटी कैंडिडेट से ₹125 लिया जाएगा। एज की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पहले जानेंगे कि किस डेट से आपका एज का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st January 2024 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष, बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष रहेगा। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी 1 एंड बीसी 2 कैटेगरी की फीमेल का 21 ईयर से 38 ईयर्स, मतलब कि 21 वर्ष से 38 वर्ष इनका रहेगा। मेल और फीमेल दोनों ही के लिए एससीएसटी जो कैंडिडेट होंगे उनका 21 वर्ष से 40 वर्ष होगा। आई होप कि एज का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस या कॉमर्स से आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, आप एलिजिबल रहोगे इसके लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या सीट है, टोटल कितना सीट आया है इस वैकेंसी के थ्रू। चलिए पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 22 सीट्स है, EWS के लिए 6 सीट होंगे, BC1 के लिए 4 सीट रहेगा और BC2 के लिए 3 सीट रहेगा। SC कैंडिडेट का 6 सीट है और ST के लिए आपका यहाँ पर 14 सीट्स रहने वाला है। टोटली अगर कैलकुलेट करें तो आपका 55 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया होने वाला है। योर सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन मेजर 3 स्टेज। पहले स्टेज पर होगा आपका रिटन टेस्ट, मतलब कि आपका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, तो वो चेक किया जाएगा कि क्या आप कंप्यूटर चला पा रहे हो कि नहीं। सेकेंड चीज की टाइपिंग का कम से कम 20 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, तो वो भी आपका स्किल टेस्ट में टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका वाइवा वोक होता है, मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टेज वाइज क्या सभी सिलेक्शन का डिटेल प्रक्रिया क्या होगा। पहले स्टेज पर जैसा आपको पता है कि एग्जाम होता है, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। तो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं वो सब झारखंड में जाके एग्जाम देंगे, और आपका पेपर 2 घंटे का रहता है, 90 मार्क का रहेगा, मतलब 90 नंबर के लिए होगा और 3 ग्रुप में डिवाइडेड होगा। ग्रुप 1 में जनरल इंग्लिश के 30 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स का एसे राइटिंग होता है और 20 मार्क्स में आपका जो लेटर और एंटो सीनो ऐसे नॉर्मली इंग्लिश का टेस्ट हो जाता है। ग्रुप 2 में आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स के लिए। ग्रुप 3 में आपका मैथ और रीजनिंग होता है 30 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने।
फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी मेंशन किया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 एंड BC2 का मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। वहीं पर अगर SC/ST कैंडिडेट है तो मिनिमम 30% लाएंगे तभी उनका आगे प्रोसेस होगा। बट जिस तरह से आपको पता है कि हर जगह कंपटीशन बहुत हाई है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बस कहने की बातें होती है। आपको हाई मार्क्स वहां पर स्कोर करना है ताकि आप कट ऑफ पार कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। जो सेकेंड स्टेज पे कंप्यूटर टेस्ट होता है आपका, कि स्किल में आपका क्या है कंप्यूटर के लिए, वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है फ्रेंड्स। उसमें आपका 100 वर्ड का टेस्ट होगा और कम से कम आपका 20 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। समय आपको मिलता है 5 मिनट का इस टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका वाइवा वोक होता है जो कि 15 नंबर के लिए होता है और मिनिमम 5 मार्क्स हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर आपने वाइवा वोक में 5 नंबर से कम लाया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा लाया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये सब टेस्ट आप पास करेंगे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आप समझ चुके होंगे कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में आपको जॉब करना होगा, तो रांची में ही रह के आपको अच्छा वहां पर जॉब होगा। और जब आप जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 रुपीज, मतलब 45,000 के करीब सैलरी होगी। और आफ्टर पर्क्स अलाउंसेज, हर साल जब सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होती है उसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 1,42,400 रुपया। तो समझ सकते हैं आप, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सीट नहीं देखना है। अब आप सभी सोच रहे होंगे 55 सीट के लिए क्या तैयारी करें, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सीट के लिए तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए मैंने जो आपको डिटेल बताया। कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प हुआ हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।